प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का आज 12वां दिन है। हत्या के दो आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। अरबाज और उस्मान को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगला नंबर किसका होगा। वहीं पुलिस अब माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाने की तैयारी में है। उम्मीद ये है कि होली के त्योहार के बाद इस बारे में कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की जा सकती है। हालांकि माफिया के परिवार के लोग एनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस पूरे खबर पर, पूरे हत्याकांड पर, जिस तरीके से कल उस्मान को ढेर किया पुलिस ने, और उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अब अगला नंबर किसका होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक एंड फैमिली में खलबली मची हुई है। अब अतीक के परिवार ने ये आशंका जताई है कि जब अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया जाएगा, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि होली के त्योहार के बाद इस बारे में पुलिस की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है। हालांकि इधर परिवार के लोग एनकाउंटर का शक जता रहे हैं। तो अब तक उमेश पाल हत्याकांड में दो जो शूटर्स थे उनके एनकाउंटर हो चुके हैं। सबसे पहले अरबाज जो कि ड्राइवर था क्रेटा कार का, उसका एनकाउंटर 27 फरवरी को। उसके बाद बारी उस्मान की जिसको कल प्रयागराज में पुलिस ने मार गिराया। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए कल की ये तस्वीरें हैं जहां पर उस्मान का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अब सवाल कई है क्योंकि देखिए 12वां दिन है और लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, कई जगह छापेमारी की जा रही है। और इस पूरी कार्रवाई के बीच उस्मान का एनकाउंटर हुआ जिसके बाद जो खलबली है वो मची हुई है अतीक और उसके परिवार में भी। तो पुलिस का प्लान अतीक और अशरफ, तो देखिए दो शूटर्स ढेर हो गए हैं और बाकी की तेजी से तलाश की जा रही है। माफिया अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाने का प्लान किया जा रहा है। अतीक अशरफ को लाने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। इधर माफिया अतीक के परिजनों को एनकाउंटर का डर सता रहा है जिससे उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी की है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ को कोर्ट में अर्जी दे सकती है पुलिस और प्रयागराज लाने की तैयारी है। और होली के बाद जो अर्जी है वो कोर्ट में दाखिल की जा सकती है जिसके बाद अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया जा सकता है। इधर देखिए परिवार में डर है और लगातार परिवार ये कह रहा है कि अतीक और जो उसका भाई है उसका एनकाउंटर हो सकता है। अब माफिया अतीक के दो नाबालिग बेटे कहां हैं, ये सवाल लगातार उठता जा रहा है। दरअसल अतीक के परिवार ने पुलिस पर एक और आरोप लगाया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि पुलिस ने उनके दो नाबालिग बेटे यानी कि अहजम और अबान को बाल संरक्षण गृह में दाखिल किए जाने का दावा किया था। बाल संरक्षण गृह में संपर्क करने पर यह पता चला है कि उनके बेटे वहां है ही नहीं और ऐसे में कोर्ट उनके नाबालिग बेटों का पता लगाए। शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सीजीएम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह और प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है जिसे 10 मार्च को कोर्ट में दाखिल करना है। तो देखिए जिस तरीके से शाइस्ता परवीन ने यह अर्जी दाखिल की है जिसमें उनका कहना है कि बाल संरक्षण गृह में उनके दोनों नाबालिग बेटे नहीं हैं। और चलिए इस पूरे खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोइन आपसे अपडेट लेने चाहेंगे इस पूरे मामले पर, क्या अपडेट है? कल उस्मान का एनकाउंटर हमने देखा, अभी तक क्या पुलिस को और कोई सुराग लगा है बाकी शूटर्स के बारे में? देखिए उमेश पाल का जो शूटआउट हुआ था उसको लेकर के योगी सरकार लगातार एक्शन में है। अब तक दो बदमाश जो है वो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। सदाकत नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि माफिया के जो मददगार हैं उनकी संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि पहले अरबाज मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद उस्मान मुठभेड़ में मारा गया, अगला नंबर किसका होगा? पांच ऐसे अपराधी हैं, पांच ऐसे शूटर हैं जो इस वारदात में शामिल थे, जिन पर डीजीपी की तरफ से 2.5-2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। तो अगला नंबर किसका होगा इसको लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। और सरकार ने साफ कर दिया है, जो सरकारी अमला है चाहे वो पुलिस के लोग हों एसटीएफ के लोग हों, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, दिन रात छापेमारी की जा रही है, 2400 घंटे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। इस बीच
खबर ये मिली कि कुछ शूटरों के कोलकाता में छिपे होने की सूचना थी। इस आशंका पर वहां भी छापेमारी कराई गई, लेकिन वहां पर जो है कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल बयान दिया था उस्मान के एनकाउंटर के बाद कि जो बाकी अपराधी हैं उन्हें अगर वो पाताल लोक में छिपे होंगे तो वहां से भी निकाल लाया जाएगा, तो उससे सरकार की जो मंशा है उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है और जो एजेंसीज हैं वो उसी मंशा के मुताबिक काम कर रही हैं। रही बात अतीक और अशरफ को एनकाउंटर में मारे जाने के डर की, तो अतीक के परिवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि उन्हें डर है कि उनके भाइयों को जेल से लाए जाने के बहाने ये डर देख रहे हैं। मोइन काफी लंबे समय से कई बार पत्र भी लिख चुकी है शाइस्ता परवीन इसे लेकर, और विवेक से भी अपडेट ले लेते हैं। विवेक देखिए, अब बाकी शूटर्स की तलाश की जा रही है, जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया जा सकता है, इसके बारे में क्या जानकारी, कब तक लाया जा सकता है इन दोनों को? बिल्कुल आयुषी, देखिए सवाल ये उठ रहा था कि अब तक पुलिस ने कांटेक्ट क्यों नहीं किया साबरमती जेल में और अशरफ के लिए बरेली जेल में, लेकिन औपचारिकताएं जरूरी थीं। चूंकि ये जो ताज़ा मुकदमा दर्ज हुआ है उमेश पाल हत्याकांड में, उसमें लिखा पढ़ी बहुत सारी होनी थी, कोर्ट में मजबूत तरीके से जो अपना दावा था वो पेश करना था, क्योंकि हल्की लिखा पढ़ी या कच्ची लिखा पढ़ी करते तो कोर्ट निश्चित तौर पे उनको वहाँ से यहाँ लाने में, चूंकि इसको सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा हो चुका है, अतीक की पत्नी कई बार शिकायत भी कर चुकी हैं, आशंका जता चुकी हैं कि अतीक जब सड़क मार्ग से आएगा तो गाड़ी पलट सकती है, और तमाम नेता भी इस तरह के बयान देते रहते हैं कि गाड़ी पलट सकती है, तो गाड़ी पलटने की आशंका से मजबूत लिखा पढ़ी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो अतीक से जुड़े और अशरफ से जुड़े तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं या सीसीटीवी फुटेज हैं, जो भी जेल में लोगों से उन लोगों से मुलाकात हुई, किन किन की मुलाकात हुई, कौन कौन, बहुत पिछले 6 महीने का सारा डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। यही वजह है कि थोड़ा लिखा पढ़ी में देर हो रही है। औपचारिकताएँ पूरी होते ही, चूँकि जेल का अपना एक नियम कानून अलग होता है, पुलिस का अपना आईपीसी अलग होती है, वहाँ पर कहीं भी ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में कोई ऐसी कमी रह जाए कि कोर्ट में पुलिस को हार का सामना करना पड़े या मुंह दिखाने काबिल ना रहे। इसलिए विवेचक जहाँ पर एफआईआर दर्ज है धूमनगंज में, वहाँ पर विवेचक पूरी तैयारी से डटे हुए और एक्सपर्ट्स की सलाह भी ली जा रही कि कैसे लिखा पढ़ी करें और किस तरह से कोर्ट में पेश करें कि बी वारंट अतीक का और अशरफ दोनों का मिल जाए। साबरमती जेल से लाना है, सड़क मार्ग से लाना है, रिस्की है बहुत, परिवार वाले तमाम आशंका जता रहे हैं, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। और ये कहा गया है कि कोर्ट में वकील भी तैयार है, अतीक के ग्रुप के जो वकील है, एक बड़ा पैनल है उसके पास वकीलों का, वो भी तैयार है अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कि उसको नहीं बाहर लाना चाहिए, साबरमती जेल में ही। अभी तक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों तरह से पुलिस ने अतीक या अशरफ से जेल में पूछताछ नहीं की है, जो विवेचक हैं उन्होंने अभी तक पूछताछ नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे ही बी वारंट मिलेगा पुलिस तो जल्द ही लाने की तैयारी है दोनों की। अब देखने वाली बात है क्या और कार्रवाई अब आगे पूरे मामले पर देखने को मिलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।